कविता मन के भावों को प्रकट करने का एक अनमोल तरीका है। ऐसे ही एक कविता संग्रह लफ्जों की महक, जिसको लिखा है परीक्षित जायसवाल जी ने। उसी कविता संग्रह में से एक कविता जिसका शीर्षक है बचपन की यादें। बारिश की बूंदों को अनूठे अंदाज में, बारिश की बूंदों को अनूठे अंदाज में कश्तियों में मापने को दिल करता है। आज फिर बचपन के सफर में लौट चलने को दिल करता है। बारिश की बूंदें आज भी आती हैं, बारिश की बूंदें आज भी आती हैं, पर न जाने वो जिंदा दिल मन अब क्यों डरता है। सफर चल पड़ा है जिंदगी में दौड़ने का, सफ़र चल पड़ा है ज़िंदगी में दौड़ने का, पर वो नादान सफ़र एक बार फिर तय करने को दिल करता है। ज़िंदगी यूँ गुमनाम होने लगी, ज़िंदगी यूँ गुमनाम होने लगी, बिखरते टुकड़ों में खुशी के अल्फाज खोने लगी। लगे हैं सभी आजीविका जुटाने को, लगे हैं सभी आजीविका जुटाने को, परिंदों सी उड़ान की ख्वाहिश न जाने कहीं खोने लगी। सोचा कुछ और पाया कुछ, सोचा कुछ और पाया कुछ, बस सपनों में ही जिंदगी सलोनी लगी। जिंदगी के दरख्तों में अब खुशियां गुम सी होने लगी। मीठे बोलों पर अब झल्लाहट सी होने लगी। क्या खोया क्या पाया, क्या खोया क्या पाया, इस जद्दोजहद में ज़िंदगी खोने लगी। जिंदा दिल मन अब तन्हा सा होने लगा, जिंदा दिल मन अब तन्हा सा होने लगा, क्यों इस भाग दौड़ में आकर अब वो प्रफुल्ल मन रोने लगा, अब वो प्रफुल्ल मन रोने लगा।